बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान एक बार फिर गले मिले हैं। लंबे समय के बाद दोनों एक साथ दिखे हैं। मौका था इफ्तार पार्टी का। जी हां, कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी दी थी जिसमें बॉलीवुड के तमाम स्टार्स के अलावा शाहरुख खान और सलमान खान भी पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी इफ्तार पार्टी की। बाबा सिद्दीकी बीच में आपको नजर आ रहे हैं। शाहरुख और सलमान इस इफ्तार में शिरकत करने पहुंचे थे और बाबा सिद्दीकी ने दोनों को एक बार फिर से मिलवाया। इस मौके पर दोनों एक दूसरे के गले भी लगे। आपको याद होगा पिछले साल बाबा सिद्दीकी की ही इफ्तार पार्टी पर दोनों पहुंचे थे और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया था। नीरू शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ रही है जो उस वक्त इफ्तार पार्टी में मौजूद थी। नीरू, क्या कुछ हुआ आप बताएं? क्या दोनों पहले से जान रहे थे कि इफ्तार पार्टी में वो दोनों पहुंचने वाले हैं और पिछले साल जैसी तस्वीरें दोनों एक बार फिर से गले लगे? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा सिद्दीकी जो कि विधायक हैं कांग्रेस के और लगातार तीन बार से विधायक हैं। उनके इफ्तार पार्टी थी जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान दोनों पहुंचे। पिछले साल भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में ही दोनों एक दूसरे के गले लगे थे। दोनों के बीच 2008 से दोस्ती खराब हुई जिस वक्त कैटरीना कैफ का जन्मदिन का मौका था और दोनों के बीच झड़प हुई थी। तब से दोनों में बातचीत नहीं थी। पिछले साल भी इसी इफ्तार के मौके पर दोनों एक दूसरे के गले लगे थे और एक बार फिर से बाबा सिद्दीकी के यहां इफ्तार पार्टी में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए। करण अर्जुन एक बार फिर से साथ साथ आ गए हैं। आपको याद होगा 17 जुलाई 2008 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था कैटरीना कैफ के बर्थडे के दिन। पिछले साल जुलाई के महीने में 21 जुलाई को बाबा सिद्दीकी के यहां इफ्तार पर पहली बार गले मिले और इस बार एक साल बाद फिर जुलाई के महीने में दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया और मौका था बाबा सिद्दीकी के घर इफ्तार पार्टी का।